शिक्षा क्षेत्र में भारत हो विश्वगुरु एथिपाई नुआदिल्ली में टेक्निकल एवं उच्चतर शिक्षार मान वृद्धि कर्मशाला केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान एक कर्मशाला उद्घाटन कर सरकारी विश्वविद्यालय गुड़ी पांठि जोगाड़ नुआ पदक्षेप ने आह्वान देते विभिन्न राज्य छात्र छात्री आवश्यकता और इंडस्ट्री चाहिदा अनुसार पाठ्य खसड़ा प्रस्तुत होशेषज्ञ मान सहायता निश्व देखाई समस्या समाधान पर विभिन्न वर्गर लोक सामिल कर गवेषणा और सृजनशीलता उपर गुरुत्व कैंपस शैक्षिक वातावरण वृद्धि सहित क्रीड़ा वितर्क ड्रामा कविता पाठचक्रपाई जितिय शिक्षा नीति व्यवस्था कर प्रादेशिक भाषा से शिक्षादान गुरुत्व दि जाऊँगी नुआदिल्ली में होता कर्मशाला उच्चतर शिक्षा दायित्व विभिन्न राज्यर सचिव एवं निर्देशक जोग देते शिक्षा द्वारा लोकंर मुंड पिछा कि भाव में बढ़ता विस्तृत आलोचना हो भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों की आदरणीय शिक्षा सचिवों को एकत्रित करके 12-13 नवंबर ये दो दिन के एक नेशनल वर्कशॉप के आयोजन किया गया है। NEP फुल फोर्स से देश में लागू हो रहा है। आज जो कुछ ज्वलंत चैलेंजेस सामने आई है बच्चों की मेंटल हेल्थ NEP में इसके बारे में कई प्रकार की सजेशंस दिया गया है। उसके अनुभव क्या आ रहा है जो कल तक एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ था वो सारे धीरे धीरे प्रोफेशनल कोर्स बनते जा रहा है। सॉन्ग ड्रामा आर्ट लिबरल आर्ट स्पोर्ट्स गेमिंग ये सारा पहले बच्चों की एक एडिशनल चीज़ होती थी ये सब प्रोफेशन बनते जा रहा है। उसको कैसे एक अकेडेमिक फ्रेमवर्क में लाना इसके बारे में NEP ने कुछ कहा था। एम्प्लॉयबिलिटी एक प्रमुख दायित्व बनती है उसके बारे में कुछ सजेशन था NEP का। उसके उपरांत अभी मैंने सभी राज्य सरकार की शिक्षा सचिवों को अपील किया है देश में जनवरी महीने से नया एंट्रेंस का अगले साल के लिए सीरीज शुरू हो जाएगा। उस समय में पिछले साल की जो अनुभव आया था उसके ऊपर सरकार ने बहुत सारे रिफॉर्म अप्रोच लिया है। NTA को एक नया रूप में ले आने का रिकमेंडेशन राधाकृष्ण कमेटी की था सुप्रीम कोर्ट की आदेश भी हुई था। इस आलेख पे कमेटी ने अपना रिपोर्ट इसी महीने में दे भी दिया है। उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए राज्यों की भी बहुत मदद आवश्यकता है उसके बारे में मैंने सभी को अपील किया है। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।